शंकर के गले में जो सांप पड़ा है उसका नाम है वासुकी नाग, वही सर्प वासुकी नाग। कोई शिव जी ने ऐसे गले में नहीं धारण कर लिया, शंकर भगवान अगर गले में धारण करें तो उसमें कुछ अच्छा तत्व होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। फिर वही बात कहेंगे, बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, अगर आप बगीचे में घूमने गए हो और कोई फूल आप तोड़ रहे हो, कोई फूल आप निकाल रहे हो, तो आप कौन सा फूल तोड़ोगे? जो अच्छा लगेगा आपको, जो डाली पर श्रेष्ठ पुष्प होगा, जो अच्छा लग रहा होगा, वही तो पुष्प आप तोड़ोगे, वही तो पुष्प आप निकालोगे। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो पुष्प। तो शंकर भगवान भी अगर डमरू को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, अगर त्रिशूल को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, वासुकी नाग को रखे तो कुछ अच्छा होगा, विचार करिएगा। एक कामन विवाह भगवान शंकर ने प्रथम में करे, उमा कात्यायनी कुष्मांडा चंद्रघंटा स्कंदा सती गौरी महागौरी, ये जो माता के रूप बदल बदल के आए हैं, तो आखिरी में जो रूप टिका, आखिरी में जो स्वरूप माता पार्वती का जो रहा वो अभी तक रहा, फिर कोई रूप नहीं बदला है, एक रूप रह गया। उसका कारण क्या था? कुछ ना कुछ भगवान जो अपने पास में रखे हैं उसमें कुछ श्रेष्ठता होगी। शंकर को क्या जरूरत थी कि उमा को छोड़ा सती भस्म हो गई और माता पार्वती से विवाह हुआ, पार्वती को क्यों रखा? क्योंकि सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और पार्वती हिमालय राज की पुत्री है। शंकर जानते हैं कि ये केवल हिमालय राज की बेटी नहीं, शिव जानते हैं कि ये पितरों की पुत्री है, और अगर मेरे करीब में रहेगी, मेरे साथ में रहेगी, तो मेरे ऊपर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर जी को चढ़ा रहा है, अगर ये मेरे साथ में एक कलश भरकर अगर शिव को कोई जल समर्पित कर रहा है, तो उसके घर में कभी पितृदोष नहीं हो सकता, उसके घर में कभी पितरों का दोष नहीं हो सकता। अगर एक लोटा पानी आप शंकर को चढ़ा रहे हो और वो भी अपने घर का ले जाकर, अपने परिंडे का ले जाकर, अपने मटके का, अपने हंडे का, जो पात्र तुम्हारे घर में भरा है, ताजा भरा हुआ है, पात्र भरा हुआ रखा है, उसमें से अगर आप एक लोटा ले जाकर भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो तो पितृदोष नहीं दे सकता। फिर कोई कितना भी कह दे तुम्हारे घर में पितृदोष हो, तो अपने मन को भी तो गवारा करे। मैं तो रोज शंकर जी को जल चढ़ाती हूँ, मैं रोज एक लोटा पानी भरकर लेके जाती हूँ, अपने घर से बोतल भर के लेके जाती हूँ, अगर दूर मंदिर है तो बोतल में भर लेती हूँ, लोटा खाली ले जाऊं उसमें डाल के फिर शिव जी को चढ़ा देती, पर चढ़ाती तो मैं हूं, जल तो समर्पित कर रही हूं ना, ये विश्वास आपके भीतर जागृत। शिव जी ने डमरू रखा उसमें भी कारण, शंकर अगर कैलाश पर रह रहे हैं उसमें भी कारण, अगर मृक्षाला पहन रहे हैं उसमें भी कारण, रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं उसमें भी कारण है, बेलपत्र धारण कर रहे हैं उसमें भी कारण, धतूरा भी पहन रहे हैं उसमें भी कारण, तीन नेत्र हैं उसमें भी कारण, त्रिपुंड धारण कर रहे हैं उसमें भी कारण। शिव के संपूर्ण श्रृंगार में, शंकर के संपूर्ण श्रृंगार के भीतर कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ भाव।